हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कमाल का कंपैरिजन। ये देखो, ये है आई के फोमर 2 और ये है नॉर्मल जो गार्डन स्प्रेयर आता है वो लेके आया मैं। ये 500 रुपये का है और ये समझो कि नॉर्मली ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदोगे तो 4200 का है। अगर आप अमेजोन से खरीदोगे तो आपका कुछ 6400 रुपये के आसपास पड़ेगा। मतलब अगर आपने डायरेक्टली खरीदा तो ये थोड़ा सा कम रेट पड़ता, मतलब 2000 के आसपास मुझे लगता है तो कुछ कम रेट पड़ता अगर आपने डायरेक्ट मतलब वेबसाइट से खरीदा तो। ओके, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या, ये तो अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ क्योंकि आपको पता ही इसका तो मैंने अनबॉक्सिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर लिया हूँ। तो मैं काम करूँगा इसका जो फुल वीडियो है वो मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के इसके बारे में डिटेल देख सकते हो। फिलहाल तो आप ये वाला वीडियो चेक करो, है ना, ये वीडियो देखने के बाद वो जाके देखना कि इसका अनबॉक्सिंग इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि देखो ये जो 500 का चीज़ है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये तो 500 रुपीज़ में अमेजोन पे मिलता है ना। तो मैं सोच रहा हूँ ठीक है, 500 का चीज़ ऑर्डर कर ही लेते हैं, बाद में कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि इसमें कितना परफॉर्मेंस है ना। इस वजह से मैंने लेकर आया हूँ ये चीज़ें। ये 500 का है और ये एग्जांपल के तौर पर ये 5000 का है। ओके चलो, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ये कुछ बिल दिया होगा, ये अमेज़ॉन के डिटेल जो भी है बिल, इसको साइड में रखता हूँ मैं। तो ये क्या है, और ऐसे ही सेम छोटा सा एक मैनुअल दिया हुआ है और एक्चुअली अमेज़ॉन पे इससे भी कम रेट वाला आता है, ये 200-300 वाला भी आता है, पर मैंने ये मंगाया क्योंकि मुझे इसमें सेम ऐसा ही कुछ दिखा दिया। तो जो एग्जस्ट सिस्टम है, अगर इसके अंदर अगर ओवरलोड हो जाता है प्रेशर का तो यहाँ से जो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, इस वजह से ये नॉब दिया जो चीज़ सेम इसमें भी दिया हुआ है। इसलिए मैंने जानबूझ के वाला मंगाया 500 वाला, कि मेरे को 200-300 वाला नहीं चाहिए, एकदम भी लो क्वालिटी नहीं चाहिए यार। 5000 के 6000 की चीज़ के साथ मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ तो कुछ तो सिमिलर होना चाहिए ना। हाँ लेकिन मुझे लगता है ये क्या, ये तो लोकल रहेगा, मतलब मेड इन चाइना वगैरह रहेगा, है ना। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये मेड इन इंडिया लिखा है। ओके ये देखो, पता नहीं ये पर मेड इन इंडिया लिखा है, आप पता नहीं एक्चुअली 100% मेड इन इंडिया है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होते हैं कि भाई मंगाते कहीं और से और बाद में नाम कहीं और लेते। तो ये देख करके लग रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, हर चीज़ देख के लग रहा है ये मेड इन 100% इंडिया है। देखो यहाँ पर हर चीज़ दिया हुआ है, बॉटल में ही डायरेक्टली नंबर दिया है और यहाँ पर लिखा है मेड इन इंडिया। अच्छा है, ये लगता है मेड इन इंडिया होंगे, श्योर है, क्योंकि एक्चुअली ऐसे बहुत लोग ऐसा करते हैं भाई, लाते चाइना से बाद में मेड इन इंडिया लिख देते हैं, पर इसका जो बिल्ड क्वालिटी और जो भी चीज़ें लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी वालों ने, देख के लग रहा है कि लगता है मेड इन इंडिया है। चलो ठीक है, ये भी मैं साइड में रखता हूँ, बाद में उठा लेंगे, ऐसा मत सोचना कि मैंने यहाँ पर कचरा कर रहा हूँ बोल के। ये पंपिंग सिस्टम है, ठीक है। ओके अब मैं आपको इसके अंदर का भी दिखा देता हूँ। ये है आई के फोमर, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल वाला जो है, और इसके अंदर भी नॉर्मली जो मैनुअल वगैरह दिया हुआ रहता है वो चीज़ें मैं आज आपको मैं डिटेल नहीं बताऊँगा, उसके लिए आप अलग वीडियो देख लेना, मैंने वो आई बटन में दे दूंगा बोला ना वहाँ से, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पर सेम ऐसे प्रेशर रिलीज सिस्टम, तो यहाँ पर इसका भी सेम ऐसे ही प्रेशर रिलीज सिस्टम दिया हुआ है। ये पंपिंग सिस्टम, यस इसका ये पंपिंग सिस्टम। अगर आप लुक वाइज की बात करें तो मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये और जैसे इसकी यहाँ पर ये जो सिस्टम यहाँ पर ये प्रेस करने से ये यहाँ से रिलीज़ होगा प्रेशर, है ना, इस पर रिलीज़ होगा। और यहाँ पर जो सिस्टम दिया, यहाँ पर एक लॉक सिस्टम दिया हुआ है जो इसमें नहीं दिया है, ये देखो। चलो और कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि देखो, हाँ इसका अगर बैठने की बात करेगा ना, ये चांसेस है थोड़ा बहुत ऐसे गिर जाने का, क्योंकि यहाँ पर वो प्रॉपर वो सपोर्टेड चीज़ें नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वो देखो ये अलग से एक बेस बनाया हुआ है ताकि ये प्रॉपर ऐसा फिक्स ऐसे बैठ सके। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे कि ये अगर मेड इन इंडिया तो ये मेड इन स्पेन है वो, है ना। तो ये थोड़ा सा एक्चुअली ऑफिशियल फोमर है, मतलब कार को जैसे व्हील वगैरह अगर फोम स्प्रे मारना है, व्हील क्लीनर वगैरह इसके भर के रखने के लिए, ये सब चीज़ें प्रोफेशनल चीज़ें, थोड़ा सा महंगा आता ही है ना। तो अब देखते हैं इसके अंदर, आप डायरेक्टली हम शैम्पू भर के देखेंगे कैसा काम करता है। बहुत बातें कर लिया, मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर का अगर पंपिंग का बात करूँगा, ओके इसके अंदर एक थ्रेड सिस्टम दिया हुआ है, ये किस लिए, अच्छा इसमें कुछ स्प्रिंग वगैरह दिया हुआ है, ये चीज़ आप खोल के थोड़ा बहुत क्लीन कर सकते हो कभी कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो, ठीक है। इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। क्वालिटी की बात करूँगा तो इतना बुरा नहीं है सच कहूँ तो। ओके अब इसका भी देखता हूँ मैं, इसका क्वालिटी कैसा है, क्या हमको प्राइस के साथ साथ क्वालिटी का भी कंपैरिजन करना ज़रूरी है। मुझे ना इसका ये थोड़ा साइज़ थोड़ा लंबा लग रहा है, ये जो पंपिंग सिस्टम है ये देखो ये थोड़ा सा लंबा है ये वाला इसका, और ये मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। देखो पंपिंग सिस्टम छोटा सा है, ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे वो, ठीक है। और ये जो इनपुट जो पाइप है ये भी थोड़ा सा ये लंबा लग रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इसमें यहाँ पर जो ये सिस्टम दिया मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये जो कलर है ये नोजल ये आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप का मिल जाता है। ये देखो ये चीज़ ये
है ना, 3-4 मिलता है वो मैं आपको बोला ना, इसके बारे में डिटेल आप देख लेना, वहाँ पर आपको दिख जाएगा डिटेल इसके बारे में। तो मतलब ये कम ज़्यादा करने का वाला सिस्टम है, एडजस्टमेंट करने के लिए सिस्टम है, मतलब फोमिंग का जो भी चीज़ है वो, लेकिन इसमें वो चीज़ें नहीं है। ये देखो, और ये देखो, ये यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है, लेकिन ये जो पाइप है ये बिल्कुल थोड़ा सा बारीक टाइप दिया हुआ है, ये जो 500 वाला इसमें है ये बारीक दिया है, और इसमें जो थोड़ा सा ये मोटा टाइप दिया हुआ है, और यहाँ पर हाँ यहाँ पर एक फिल्टर टाइप भी दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब इसके सामने का बात करूँगा मैं, आप ये खोल के दिखाता हूँ आगे का क्या सिस्टम है। ये देखो, जब मैंने खोला अंदर से क्या निकला, ये कुछ निकलता नहीं है, ये तो निकलना चाहिए था, बाहर निकल बाहर। हाँ ये देखो, ये सिंपल सा एक रबड़ है और कुछ नहीं इसके अंदर, है ना। अगर मैं इसकी बात करूँगा, इसके अंदर स्पेशल फोम क्रिएट करने वाला सिस्टम दिया होगा। ये देखो, ये इसके अंदर वो फोम क्रिएट करने वाला सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको लगा देता हूँ, अब हम देखेंगे एक्चुअली मैं क्या करने वाला आज। डायरेक्टली पहला ऐसा शैम्पू डालेंगे दोनों में सेम सेम, और बाद में ऐसा स्प्रे मार के देखेंगे कि इसमें कितना फोमिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली आता है क्या। अगर नहीं आता है तो इसमें मैंने सुना था ऐसा कि इसके अंदर कुछ छेदा वगैरह करना पड़ता है ऐसा नॉर्मली टेक्निकली इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ता, ये रेडीमेड हर चीज़ परफेक्ट आता है एकदम, लेकिन इसमें करना पड़ता है ऐसा मैंने सुना था। अभी देखते कि इसमें कितना परफॉर्मेंस कैसा दिखाता है, उसके बाद ही हम एक्सपेरिमेंट जो जुगाड़ तरीका बोलता है ना वो हम बाद में करेंगे। हाँ, अगर आपको समझो कि ऐसा इसमें काम नहीं है तो आपको जुगाड़ करना पड़ सकता है भाई, 500 वाला चीज़ लोगे तो 5000 के साथ तो कंपेरिजन हो ही नहीं सकता ना, तो आपको जुगाड़ करना पड़ सकता है। अभी देखते, तो मैंने ये शैम्पू लेकर के आया हूँ, ये पहले से मिक्स किया हुआ था, तो मैं काम कर रहा, ये जो पानी जो पतला जो शैम्पू है पहले जो मैंने मिक्स करके रखा था, ये आधा इसमें डालूंगा आधा उसमें डालूंगा, नहीं तो बाद में आप लोग बोलोगे कि भाई ये चीटिंग किया आपने, है ना, शैम्पू किसी में कम किसी में ज़्यादा डाला ये बोल के, तो ऐसा मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल इसी में इसमें आधा और इसमें आधा डालूंगा, और दोनों में पानी भी बिल्कुल एकदम सेम उतना ही भरूंगा मैं। ओके, अभी हाँ चलो, और एक काम करता, अभी थोड़ा सा और शैम्पू ज़्यादा डाल देता हूँ, थोड़ा सा ये इसको शैम्पू डाला, थोड़ा सा इसको शैम्पू डाला, ठीक है। अब इसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे, और दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल देंगे अभी। ये देखो, ये पानी लाया, इसका मेजरमेंट कहाँ लिखा है यार, एक बात बताऊँ, इसमें ना मेजरमेंट कहीं लिखा नहीं है कितना ml क्या सिस्टम है, जैसे कि इसमें आपको प्रॉपर है यहाँ पर देखो, ये ml सिस्टम लिखा हुआ है मेजरमेंट, इसीलिए एक्चुअली प्रोफेशनल की बात ही अलग होता है। ये नॉर्मली ये क्या है, ये गार्डन स्प्रेयर है, ये एक्चुअली वो फोमिंग सिस्टम नहीं है, फोमर नहीं है वो, तो फोमर होगा तो ही उतना महंगा होगा, उतना क्वालिटी वाला चीज़ें देंगे ना, पर ये क्या है, गार्डन है, नॉर्मली पानी भरो ऐसा झाड़ को ऐसा स्प्रे करो, उस वजह से ये है वो। पानी भर लेते थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल मैं सेम सेम पानी भरने वाला हूँ, बाद में टेंशन नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। दोनों में सेम सेम पानी भर दिया, अब मैं पानी को साइड में रखता हूँ। ओके, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि भाई ये जो 500 का खरीदा, फिर भी इसमें ये कम से कम प्रेशर एडजस्टमेंट सिस्टम दिया हुआ, प्रेशर रिलीज सिस्टम, जैसे कि हमने ओवर प्रेशर कर दिया तो यहाँ से वो निकल जाएगा, उसका प्रेशर फटेगा नहीं अंदर वो, चलो मुझे अच्छा लगा ये चीज़। नहीं तो बहुत सारे कंपनी ऐसा हो, आप लोगे तो ऐसा देता नहीं हो जो प्रेशर रिलीज सिस्टम हो। अभी है मेन टाइम, देखते हैं चलिए इसमें से फोमिंग आता है कि नहीं, पर सच बताऊं मैं लुक वाइज बहुत सही है ना, और पर मुझे पता कि ये लुक वाइज सही है, अरे परफॉर्मेंस वाइज सही होगा ऐसा मुझे लग रहा है, मैं तो देखा नहीं हूँ, देखते चलो अभी पंपिंग करता हूँ इसको पहला। ओके, अब इसके बारी पंपिंग, मेरा हाथ दर्द हो गया। चलो अब देखते हैं किसमें से फोमिंग निकलता है, इसे ही पहले देखता हूँ मैं, पहले इसी को ट्राई करता हूँ। ओहो हो, इसमें तो प्रॉपर फोम आ रहा है, ज़बरदस्त फोमिंग आ रहा है, और इसमें से, अरे भाई इसमें से फोम नहीं आ रहा है भाई, ज़रा भी फोम नहीं आ रहा है यार, नॉर्मल पानी निकल रहा है इसमें से भाई, यही बात है ना, ऐसे थोड़ी ना होता कि भाई ये 500 का मिल रहा है और ये 5-6 हज़ार का मिल रहा है ना, ऑफिशियल वेबसाइट से लगे तो 4,200 का मिलता है, तो ऐसा कि इतना प्राइस रेट क्या, क्योंकि भाई ये प्रोफेशनल है प्रॉपर, ऐसे इस तरह का जो हाईफाई जो कार वगैरह होते हैं ना, जैसे नॉर्मली आपने 50 लाख का कार खरीद लिया तो आप थोड़ी ना ऐसा जुगाड़ करके बैठोगे, आपको उतना टाइम ही नहीं होगा, तो आप तो भाई प्रोफेशनल ही मंगाओगे ना। तो ये चीज़ है, मैं काम करूँगा, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में इसका भी और इसका भी, आपको जो ठीक लगे, आपको अगर जुगाड़ करके तैयार करना है तो ये ले सकते हो, अगर आपको नॉर्मली अगर प्रोफेशनल चाहिए रेडीमेड तो आपको ये वाला ले सकते हो। क्योंकि इसलिए तो ये क्वालिटी वाला चीज़ है ना, मेड इन स्पेन है और मेड इन इंडिया है भाई, इंडिया वाले कुछ करो इसको भी सेम ऐसे, कम से कम कॉपी तो करो चाइना जैसा, पर सही से बनाओ तो सही यार। चलो ठीक है, हम पानी भर के गार्डन स्प्रे भी कर लेंगे, और अगर हमारे पास कार है तो हम फोमिंग स्प्रे भी कर सकते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं, देखो इसमें से हर चीज़ें हो सकता है,
थोड़ा महंगा है, ठीक है भाई ये 500 का जाओ 1000 रुपये कर दो, पर टेक्नोलॉजी सही लाओ यार। तो दोस्तों अभी एक काम करते हैं, अभी देखो हवा में उतना पता नहीं चल रहा था, अब देखो सीधा कार पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, देखो कैसा हो गया। हाँ देखो जैसे कि मैंने इसको अप्लाई किया यहाँ पर, ये देखो ये, अरे वाह ये है, ये देखो परफेक्ट फोमिंग सिस्टम है, देखो ज़रा आप ज़बरदस्त फोम आपको दिख रहा है, बिल्कुल देखो प्रॉपर ऐसा चिपक के रह गया, ये देखो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा फोम बिल्कुल एकदम चिपक के रह गया। अगर मैं इसकी बात करूँगा, ये देखो ये 500 वाला चीज़ है, ये देखो ऐसे थोड़ी ना होता, ये देखो ये कुछ भी नहीं, ये क्या है ये भाई, पूरा पानी निकल रहा है यार, फुल पानी, ये क्या है, ये ऐसा परफॉर्मेंस करेगा क्या है ये भाई, जो भी है आप ये जो कौन सा कंपनी का है यार, ये राइनो पता नहीं क्या है, राइनो हैवी ड्यूटी स्प्रेयर, ठीक है ये जो राइनो कंपनी है पता नहीं, वो अमेज़न पे तो कुछ अलग कंपनी लिखा था, जो भी है, पर आप अगर ये कंपनी वाला अगर देख रहे हो तो भाई इसको कुछ इंप्रूवमेंट करो और इसके जैसा बनाओ इसको, तो ही मज़ा आएगा, नहीं तो भाई हमारे जो कस्टमर लोग हैं वो इसी को लेंगे, क्योंकि भाई ये तो उतना काम का चीज़ है नहीं, आपको सिर्फ अगर आपको सिर्फ घर में अगर पौधे में पानी डालने का ऐसा स्प्रे करने का है तो आप ये ले सकते हो। चलो ठीक है मैं अभी ये काम करता हूँ, इसके आगे जो है ना लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है इसके नोजल के अगर हमने अगर वो स्पंज लगा दिया तो आदमी ये सही काम करेगा, तो मैं काम करूँगा जो ओरिजिनल जो इसके साथ जो वाला आता है ना, और जो ये स्पंज आता है वही मैं डालूँगा इसमें, तो उसके लिए मेरे पास ये मशीन के साथ एक्स्ट्रा आया था वही मैं डाल दूँगा इसके, और ये मेरे को ध्यान नहीं था कि इसके अंदर प्रेशर बिल्ड था, मैंने नोजल खोल दिया और बाद में पानी आने लगा। ठीक है अब मैं इसके अंदर डाल दूँगा वो क्या बोलते हैं उसको फोम क्रिएट करने वाला होता है ना स्पंज, वो डालूँगा। ये देखो ये जो आई के फोमर के साथ जो ओरिजिनल तो देता ही है स्पंज देता है लोग, तो मैं इसी को कट करके लगाऊंगा, ये देखो अगर वो एक पुराना हो गया तो ये ऐसा, ये देखो मैंने निकाल दिया ये, तो एक एक करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है फिलहाल अभी मैं इसको क्या करता हूँ इसके सामने लगाता हूँ ऐसा, चलो जब मैं इसको ऐसा लगा दिया भाई अब तो फोम होना चाहिए ना, क्योंकि वो आई के फोमर का जो फोम क्रिएटर जो है ना वो छोटा सा स्पंज होता है वो मैंने लगा दिया महंगा वाला ओरिजिनल वाला, अब देखते इसके अंदर कैसा काम करता है, फोम होता है कि ना आप देखेंगे। ठीक है नहीं भाई फोम फिर भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा फोम। अभी मैं काम करता हूँ इसमें से जो फोम नहीं आया अब इसके अंदर मैं ये करता हूँ क्या बोलते हैं उसको अलग सा ही क्या आता है स्पंज आता है वो लगाऊंगा अलग से कट करके मैंने खुद से, और प्लस पाइप में कर दूंगा छेदा, पता नहीं एक्चुअली मैं नया लेकर मेरे को इच्छा मन तो नहीं है ऐसा छेदा करने का, पर फिर भी मैं करूंगा क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई छेदा करने से बाद में एयर और फोमिंग मिक्स होकर फोम निकलेगा, अब हम वो भी ट्राई करेंगे कि भाई जुगाड़ में कितना दम है वो देखेंगे। तो दोस्तों अब मैंने क्या किया वो सुई को गर्म करके यहाँ पर पाइप में छोटा सा एक छेदा कर दिया, अब हम क्या करेंगे ये जो स्पंज आपको दिख रही है जो बर्तन मांजने वाला इसको हम क्या करेंगे इसके अंदर लगाएंगे, वो जो कंपनी के साथ जो दिया था ये आईक्यू वाला इससे तो ये तो फेल हो गया क्योंकि इसके अंदर का छेदा थोड़ा सा बड़ा है, अरे यार वो छेदा थोड़ा सा बड़ा है इस वजह से शायद वो इतना सेटिंग नहीं हो पा रहा है, अब हम क्या करेंगे ये कट करके लगाएंगे, ये प्रॉपर गोल साइज़ में ऐसा कट करके इसको लगाएंगे, तो अब देखते क्या होता है, इसको बोलते हैं जुगाड़। एक्चुअली मुझे पता देखो कुछ कुछ जुगाड़ सक्सेसफुल होता है पर मेरे को ये वाला तो जुगाड़ लगता नहीं कि सक्सेसफुल होगा, मतलब लॉन्ग टाइम आपने बनाया मेहनत करके ऐसा, और मुझे गारंटी बोल सकता है आपने अगर ऐसा कार को स्प्रे करने के लिए अगर आप ये जुगाड़ वाला तरीका करोगे ना आपका पैसा बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, मतलब 500 रुपये सही फिर भी वो बेकार ही है पूरा वेस्ट ही है वो। चलो इसको मैं अभी गोल से कट करके थोड़ा ऐसा डाल देता हूँ अंदर, और ऐसा इस तरह का मैं बना के डाला ताकि वो ऐसा छोटा सा बनाऊंगा तो आर पार छेदा से निकल ही जाएगा, तो वैसा भी नहीं करना है, थोड़ा उस हिसाब से आइडिया करके मैंने इसको लगा दिया। इसके अंदर कुछ डालने का था क्या, नहीं नहीं सही है ओके यस ये टाइट हो गया, अब देखते हैं मतलब एक्चुअली उस स्पंज डाला ना अंदर अब तो थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया वो पूरा अंदर तक गया नहीं है, अब देखते हैं स्प्रे करके। पर आपको एक्चुअली अगर प्रोफेशनल तरीके से चाहिए कि भाई कोई कार वॉशिंग सेंटर है ना, अगर आपको ऐसा इसके एलॉय व्हील के लिए आपको कोई केमिकल स्पेशली अगर आपको केमिकल स्प्रे करना है तो आप इसके लिए मस्त ऐसा रेडी करके रख दो और फटक से चार चक्के में से एक मिनट लगेंगे आपको स्प्रे करने के लिए, तो उसके लिए एक्चुअली ये सब चीज़ें सही है। ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगा भाई आपको फुल्ली मतलब कार को फोम वॉश करने के लिए आप 100% इसी को यूज़ करो, ऐसा भी नहीं बोलूँगा, अगर आपको अगर नहीं होता लाइट वाइट नहीं है तो बात अलग है ना, पानी का दिक्कत है लाइट का दिक्कत है तो आप ये ले सकते हो, नहीं तो वॉशिंग सेंटर वाला जो व्हील क्लीनर के लिए लेते जैसे कि जो क्या बोलते हैं ऑटो फेनाटिक का जो व्हील क्लीनर है स्पेशल व्हील क्लीनर है ना वो सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए ऐसा वाला चीज़ें यूज़ करते हैं हाई क्वालिटी वाला। क्या देखना आप देखना ना जो फॉरेन कंट्री में इस तरह का जो फोमर वगैरह ज़्यादातर यूज़ होता है, हमारे इंडिया में इस तरह का ज़्यादा यूज़ नहीं, तो इंडिया में ज़्यादातर सब जुगाड़ू चलता है, तब देखते मैंने भी ये जुगाड़ किया हुआ है अब ये कैसा काम करता है देखते। पर ये तो है जो कंपनी ने जो सोच के टेक्नोलॉजी जो बनाया वो, और ये जो है ये सेम थोड़ी ना होगा,
और देखो सब कुछ उन लोगों ने दिखने में सेम दिया है। ये देखो ये ओवरलोडेड सिस्टम दिया हुआ है, जो एयर का ओवर प्रेशर, हर चीज़ दिखने में सेम दिखता है पर परफॉर्मेंस में जमीन और आसमान का फ़र्क है। इसमें फोमिंग होता ही नहीं है, है ना, उसमें फोम होता है। तो भाई इतना आसान भी नहीं एक्चुअली हर टेक्नोलॉजी को कॉपी करने को। अब देखते फोमिंग निकलता है क्या। अरे यार फोमिंग तो हो रहा है बिल्कुल सफ़ेद और पतला जैसा। ये यही तो बात है, वीडियो में बहुत सारे लोग ना चीटिंग करते और कुछ भी दिखाते, जो सच है वो नहीं बताते। मैं अभी फिर से आपको कार में अभी स्प्रे करके दिखाता हूँ। एक्चुअली फोमिंग हो रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं हो रहा है, पर देखना ना कैसा हो रहा है। तो दोस्तों ये जुगाड़ू तरीके से फिर से रेडी है। अब हम देखेंगे जुगाड़ू वाला आइडिया कैसा काम करता है। अब हम क्या करेंगे, जुगाड़ू वाला ये साइड मारेंगे और ओरिजिनल वाला ये साइड मारेंगे चलो देखते। क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं ये क्यों बना रहा पता है, ये वाला वीडियो मजबूरी से बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि भाई 500 में मिलता है अमेज़न पे, तो ये 5-6 हज़ार रुपये क्यों खर्चा करना है। ऐसे 5-6 हज़ार मैं बार बार बोल रहा हूँ, 5 हज़ार एक्चुअली अगर 4,200 रुपये कीमत है अगर आप ऑटो फेनाटिक की वेबसाइट से लोगे तो। मैं काम करूँगा, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में दोनों का भी, आपको जो ठीक लगे आप वो ले सकते हो। चलो अब देखते ये जुगाड़ू ये ले। अरे यार इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल बारीक 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 ऐसा ये आ रहा है, फोमिंग आ रहा है लेकिन बिल्कुल एकदम पतला ऐसा। ये देखो फोम तो क्रिएट हो गया है लेकिन ये बस के लिए दिखाने के लिए है एकदम इसमें उसमें बहुत ही फ़र्क हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा नज़दीक लगा, जैसे मैं स्प्रे करने लगा देखो बिल्कुल नीचे गिरने लगा। मैं कवर करने के लिए बहुत टाइम लग गया, अब इसका देखो हाँ कैसा फास्ट हो जाएगा। ये देखो ये 2-3 सेकंड काफ़ी है और उसमें मारते रह गया मैं। देखो वाओ ये फ़र्क है, देखो ज़रा वाह भाई वाह। ये देखो ये जुगाड़ू वाला है एक्चुअली फोम हो रहा है, इतना ये नहीं बोलूँगा पूरा कुछ भी नहीं हो रहा ऐसा नहीं है, पर फोम हो रहा आपको दिख रहा है ये फोमिंग। और ये देखो ये फोमिंग, तो भाई पैसा बोलता है, देखो कौन बोलता है पैसा नहीं बोलता है। देखो लोग बोलते कि भाई क्या इतना महंगा क्यों लेना, कार वॉशर ले सकते इतना प्राइस में, तो भाई आप कार वॉशर लो ना, लेकिन एक्चुअली जिसको ज़रूरत है उसके लिए ये चीज़ है। ये देखो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा ये देखो ये और वो, कमाल हो गया यार, मज़ा आ गया। हाँ ये देखो ये जो मैंने पहले जब मैंने फोम स्प्रे किया था ये IQ फोमर का, वो अभी तक नीचे फोम पड़ा हुआ है। देखो वो जो स्लोली स्लोली जब पिघल के गिर रहे ना वो चीज़ है, देखो यहाँ पर उस टाइम मारा था अभी तक वो है वो ये देखो, और यहाँ पर देखो क्या सीन हो गया। तो दोस्तों अगर आपको गार्डन में पानी मारना है तो ये वाला लो, मैं गारंटी बोल सकते ये वाला लो, ये मत लो गार्डन में पानी मारने के लिए, मत लो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा बेकार हो जाएगा। ये लो गार्डन में पानी मारने के लिए, बहुत ही सही चीज़ लगा मुझे, बहुत ही क्वालिटी वाला चीज़ है ऐसा। एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूँगा भाई क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया ये कंपनी वाला ने, बहुत ही सही चीज़ दी एक्चुअली हाँ, इतना बुरा नहीं है, 500 रुपये में और क्या देगा, ज़बरदस्त क्वालिटी वाला चीज़ है। लेकिन अब फोमिंग के लिए बिल्कुल बेकार है वो, आप जुगाड़ करो कुछ भी करो लेकिन ये चलने वाला चीज़ नहीं है। अगर आपको फोमिंग के लिए चाहिए, व्हील क्लीनर के लिए चाहिए, स्प्रे करने के लिए चाहिए, या तो कार फोमिंग के लिए चाहिए, ऐसे आपके पास अगर मशीन नहीं है या तो लाइट का दिक्कत है, आप कहीं घूमने गए कार के पीछे बस इसको रख दो, जब चाहे तब फोम स्प्रे करो बस अपना कार वॉश करो, है ना, तो इसके लिए आप ये वाला ले सकते हो। तो आप मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।